फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल माथा क्लासेस में। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इससे पहले हमने इस चैप्टर्स के बारे में बहुत सारे चीज को नोट्स इसके पहले जो जो टॉपिक्स हैं उसके बना के उसके वीडियो डाल चुके हैं और आज इस वीडियो में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का फोर्थ केस जो है उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट केस में हम लोग को क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, वो है कि जो वेलोसिटी है आपका वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज करते हुए जीरो तक आ जाता है। ठीक है, तो हमने कंसीडर कर रखा है कि आपको एक कोई वेलोसिटी है जिसको हम लोग 10 ले लिए हैं, 10 मीटर पर सेकंड टाइम हम लोग जीरो लिए हैं और वेलोसिटी देखिए इक्वल अमाउंट में डिक्रीज कराते हुए हमने देखा है टेबल में आपको 8, 6, 4, 2, 0 आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का डिक्रीज हो रहा है तो टाइम आपका बढ़ते जा रहा है। इसको हम लोग क्या है आपका ग्राफ जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वाई एक्सिस में आप लोग को क्या ले लेना है, हम लोग को वेलोसिटी को रखना है वाई एक्सिस में। ठीक है, यहाँ स्केल हमने लिया है आपका वेलोसिटी में 10 स्मॉल डिवीजन को ग्राफ पेज में 2 मानना है और टाइम एक्सिस में लिया है आपका 10 स्मॉल डिवीजन को 1 सेकंड और पॉइंट्स को पलट के 10-0 को देखिए यहाँ आ जाएगा 8-1 ये पॉइंट आएगा, 6-2 का पॉइंट ये आया। ठीक है, और देखिए 4-3 का पॉइंट ये आया तो ये आपका 5-0 लास्ट में आएगा। इसे ग्राफ पेज में आप प्लॉट कीजिएगा तो बहुत एक्यूरेट ग्राफ आपका बनेगा और तब कैलकुलेशन आपको समझ में अच्छा से आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी जो आपको तो ग्राफ पे आपका स्ट्रेट लाइन है लेकिन स्लोप जो है ये वाई एक्सिस से स्लोप के नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड जा रहा है तो स्लोप आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसमें इसमें भी आपको न्यूमेरिकल जोड़ देगा ये एक्सेलरेशन निकाल ले तो स्लोप निकाल के एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसमें स्लोप का, हम लोग निकालते हैं एक्सेलरेशन ऊपर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालते हैं ये क्या है स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ तो ग्राफ का स्लोप दूसरा तरीका हम यहाँ आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी आप कर सकते हैं लिख के, चेंज इन वेलोसिटी भी लिख के ग्राफ से रीडिंग देख के ऐसे भी आप निकाल सकते हैं या इससे पहले एक तरीका जो दूसरे वीडियो में बताया उसे भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर आप कर सकते हैं चेंज इन टाइम। ठीक है, एक्स एक्सिस का रीडिंग टाइम में लेंगे तो आप देखिए वेलोसिटी में क्या चेंजिंग आ रहा है, आपका फाइनल वेलोसिटी आते हैं यहाँ जीरो हो जा रहा है, ये फाइनल वेलोसिटी का है देखिए जीरो और स्टार्टिंग का है 10। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी देखिए जीरो हो रहा है, इनिशियल आपका 10 है। ठीक है, और देखिए कि आपका स्टार्टिंग टाइम यहाँ लेते हैं तो यहाँ से टाइम एक्सिस में जीरो है आपका रीडिंग और यहाँ फाइनल टाइम आपका 5 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ टाइम में आपका 5 - 0 कर लीजिएगा तो देखिए -10/5 तो इसमें देखिए -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। तो आप स्लोप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको इसमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस जैसे हम लोग क्या बोला आपको एरिया अंडर द ग्राफ लाइन आपको करना है। ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ लाइन। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा ग्राफ लाइन के नीचे जो रहेगा टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस और ग्राफ के बिटवीन का एरिया जो फिगर बनेगा आपको उस हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। यहाँ तो यहाँ देखिए ये फिगर आपका बन रहा है, देखिए ग्राफ लाइन के ए बी सी ये फिगर क्या आपका ट्रायंगल है तो यहाँ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाइएगा तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो हाफ यहाँ बेस आप टाइम को ले लीजिए यानी बी सी को, ठीक है बीसी को बेस ले लीजिएगा और हाइट आप ले लीजिए एबी को। ठीक है, ले लीजिए तो यह हाफ आ गया, बेस का रीडिंग देखिए यहाँ फाइनल 5 है इन स्टार्टिंग आपका 0 है तो 5 - 0 यानी 5 होगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ और देखिए ये एबी इसका हाइट हो गया 0 से 10 गया तो 10 - 0 यानी 10 आएगा आपका। ठीक है, फिर काट दीजिएगा 5 तो ये क्या आ गया आपका 25 मीटर, ये आपका डिस्टेंस कवर हो गया। तो ये आपको यहाँ से इस टाइप का न्यूमेरिकल्स बनता है तो न्यूमेरिकल्स इसका जो है आपका क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा 2-4 क्वेश्चन इस टाइप का। अब आइए देखते हैं इसका लास्ट केस जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो इसमें आपको ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता, हमेशा एक नंबर का क्वेश्चन आपको अराइज होता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट का उसका ग्राफ कैसा होता है। तो इसमें सिंपल आप किसी भी तरह का नंबर आगे पीछे करके टाइम को चेंज करते हुए नॉन यूनिफॉर्म आपका मोशंस का जैसे है वो करके आप ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो इसमें जनरली आपको जो ग्राफ मिलेगा, देखिए किस टाइप का मिलेगा, ये नेचर आप याद रखिएगा। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आप कोई भी स्केल्स लेके कोई भी कंसिडरेशन आप जैसे टेबल बना सकते हैं, बना के आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा। जैसे ऐसे जाएगा इसमें इस टाइप से, इस टाइप का आपका क्या रहेगा, ये कर्व टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से मिल सकता है, या आपको इसका यदि ग्राफ आप ड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या है, आपको इस टाइप का भी कर्व आ सकता है। ठीक है, इसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है तब होगा, और इसमें जैसे यूनिफॉर्म में वेलोसिटी एकदम यूनिफॉर्म वर्सन में पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली, फिर यह यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया, एक वो भी नॉन यूनिफॉर्म इस टाइप से मिलेगा, वो भी नॉन यूनिफॉर्म होकर ये क्या है आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसमें नेचर आप ये पता रखिएगा, और जैसे यदि इस टाइप से मान लीजिए डिक्रीज करता है तो डिक्रीज करेगा तो आपका जो ग्राफ होगा इस टाइप से कर्व आएगा। ठीक, तो नॉन यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी होता है उसका ग्राफ लाइन का जो आपका नेचर होता है वो होता है आपका कर्व रहेगा, जिगजैग रहेगा, स्ट्रेट आपका कभी नहीं बनेगा। इसके बाद के वीडियो में हम बात करेंगे आप लोग से जो आपका 3 इक्वेशंस है ग्राफिकली प्रूफ करने का, वो हम लोग प्रूफ करेंगे ग्राफिकली मेथड से। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।